मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाफलोंग सरकारीबागन स्थित केंद्रीय विद्यालय की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह हुआ। यह उद्घाटन आज सवेरे जिला उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस कमरे में एक सभा में मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शास्त्री भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। पोखरियाल ने अपने संदेश में केंद्रीय विद्यालय की छात्र छात्रियों को इस विद्यालय की नाम रोशन और देश की सेवा में समर्पित होने हेतु बधाई दी और साथ ही शिक्षक और अभिभावक को भी शुभकामनाएं दी। इस भवन की मुख्य विशेषता ये है कि 9.37 एकड़ भूमि में 17.52 करोड़ लागत से बनी, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त 45 कमरे, 1200 विद्यार्थियों को लाभ और राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित। दृष्टि से आपने कौशल विकास के साथ जोड़ करके ये नवोदित प्रतिभाओं को हम आगे निखार करके लाएंगे, ताकि इस देश में जो $5 trillion की अर्थव्यवस्था की हमारे प्रधानमंत्री ने 2024 तक कल्पना की है, वो इस रास्ते से होकर के वो गुजर सके। मैं एक बार पुनः सभी सांसदगण को, सभी मंत्रीगण को, अपने सभी विधायकगण को, सभी जनप्रतिनिधिगण को, सभी अभिभावकों को, अपने केंद्रीय विद्यालय के सभी अधिकारी वर्ग को और जो उनके प्रधानाचार्य हैं उनको, अध्यापक गण उनको, और प्रिय छात्र छात्राओं आपको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना, धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय से निकलने वाले बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान वो दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं केंद्रीय विद्यालय परिवार को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। और आज जो हमारे सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी अभिभावकगण, मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में सब लोग वहां पर उपस्थित हैं, इस खुशी के मौके पर इस खुशी को बांट रहे हैं मिलकर के। और निश्चित रूप में आपका जो बच्चा है, मेरे अभिभावक वहां पर उत्सुक होंगे। स्वाभाविक ही है कि आपका जो बच्चा है, आपको मालूम है कि वो बहुत ऐसे सुरक्षित हाथों में है। जब उसका भविष्य बहुत शिखर पर पहुंचेगा और उस देश के निर्माण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए भारत का निर्माण करना है, नया भारत जो सशक्त भारत हो, जो सबल भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको। कार्यक्रम में हरेन सिंह दे, संसद साहित्य परिषद वीरभद्र हगजर, विधायक हाफलोंग जिला उपायुक्त अमिताभ राजकुआ, संतोष कुमार मल्ला, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, उत्तर कछार साहित्य परिषद की कार्यवाही सदस्य नंदिता गोरलासा प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में, साथ ही छात्र छात्री एवं अभिभावक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के निवेदक थे वरुण मित्र, केंद्रीय विद्यालय संगठन गुवाहाटी एवं केंद्रीय विद्यालय हाफलोंग के प्राचार्य मनोज कुमार। डीसी ऑफिस की तरफ से बहुत सारा हेल्प किया गया है, उसके लिए मैं सभी लोगों को जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है उनको धन्यवाद करता हूँ। असम राइफल के एफर्ट्स के बिना ये नहीं हो पाता। असम राइफल की तरफ से उनके कमांडिंग ऑफिसर और जो भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, जो डायरेक्टली लगे हैं या फिर जिन्होंने बैकग्राउंड में साइलेंटली, वो सामने दिखाई भी नहीं देते हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और पूरा अरेंजमेंट ऐसी बारिश में उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। साथ में जो हमारे यहाँ पे, चूंकि विद्यालय में सभी लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, दो अपने टीचर सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपना सिक्योरिटी स्टाफ है या फिर ऑफिस में जो दो तीन बंदे हैं, उन्हीं सभी लोगों ने पूरा दिन रात, कल रात तक भी काम किया है और उसका ही नतीजा है कि एक हम अच्छा प्रोग्राम। After becoming public representative, ऐसा मौका मुझे नहीं मिला है, आज पहली बार मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्ट यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो मेरा नाम पुकारते हुए मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और साथ आप लोग भी हैं, ऐसा मौका मुझे पहले बार मिला है जीवन में।
तो बहुत अच्छा लगा और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स प्रिंसिपल ऑफ दिस केंद्रीय विद्यालय हाफलोंग। आज मुझे आने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मेरा एक दूसरा शेड्यूल प्रोग्राम था, लेकिन रात मेरा एक दोस्त ने हमको फोन किया, बोला आप दिमाग में भी हाफलोंग एक छोटा सिटी है, और आते वक्त मैंने दोस्त का साथ बात करते आया कि यह आने से दिल इतना खुशी मिलता है जैसे कि हम दार्जिलिंग में जा रहा है, दार्जिलिंग में है हिल स्टेशन, तो यहाँ और डेवलप करने से सेकेंड दार्जिलिंग होगा, और इसी जगह में आज बोला आफ्टर हाउ मेनी इयर्स नियर अबाउट 30 साल के बाद आप लोग ये बड़ा सा इतना सुंदर बिल्डिंग मिला है, ये तो गॉल्फ होना चाहिए और गॉल्फ है, तो इसका कैपेसिटी 1200 से अभी 416 स्टूडेंट है, तो और सीट बहुत खाली है। यहाँ का लोग हिंदी बोलता है इसलिए मुझे भी मौका मिलता है हिंदी बोलने के लिए, तो लेकिन हम तो अभी जब भी मुझे मौका मिलता है wherever I was given the chance to speak to them in whatever manner, I readily accepted the invitation and share certain views, not with a view to educate them as such, but the sharing of information is one very important thing in the entire spectrum of education which we are now in this current age. केवल ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई सिर्फ जो मैट्रिकुलेशन में या क्लास 12 के जो फाइनल एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएगा या आने का उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई उसी में, ऐसा नहीं है, यू हैव टू गो मच मच मोर बियॉन्ड दैट। सो आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश and in Hindi, whatever way I am capable of in speaking that in that language. And I promise you, मैं वचन देता हूँ कि मेरा भाषण इतना लंबा नहीं है। मैंने सोचा कि मैं अभी तक थोड़ा सा लंबा कर दूँ तो ठीक है, तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा कम और थोड़ा सा बोल के खत्म कर दिया, तो मैं फिर भी मैं मेरा मित्र श्री हरन सिंह भी के लिए मैं बहुत टाइम रख देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट्स से। मेरे पर आई गरलसा सर मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सिलचर रीजन KVS श्री राजा, all the other dignitaries present here on the as invited guests, as audience, all the parents, the principal of this school, principal Haflong College, all the teachers, parents, guardians and my dear students, to aaj ka hum log ka ye jo occasion hai, it is an occasion for rejoicing and also happiness for all of us, because ये नया स्कूल बिल्डिंग आज इनोग्रेट हो रहा है। हालांकि आप लोग ऑलरेडी बिल्डिंग में दाखिल हुआ और यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। 1.37 एकर्स ऑफ लैंड एंड 17.52 करोड़ रुपया का खर्चा में ये बना। 45 rooms are available and it has got all the facilities what one KV should have, all the facilities we have. Now for the inauguration or this ceremony, we have got our dignitaries from their busy schedule, they have taken their time. I give a big round of applause to all of them. I
from my core of heart, I welcome all the dignitaries. I was told by principal, especially our MP sir, he was very busy. Students, batao tum sem kab shuru hua? Aur aaj kaun sa saal? Kaun sa saal abhi? To kitna saal wait kiye the aap log? Calculation, math, jaldi batao. Almost 30 years aap wait kiye hain. Abhi aapko naya building mila hai. Give a big round of applause. For our KV Sangathan as well as Ministry of HRD and all our people representative. Though there were problems, कभी भी बिना problem का victory नहीं मिलेगा. आपको पता है कि नहीं? बिना problem का नहीं मिलेगा. Though there were problems in lot of things, but finally you got your building. Not only for the present strength of 420 or 416 students. I should not speak because we have our MLA MP उनका भी speech हमें सुनना है. उद्घाटन समारोह के बाद नए भवन में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें छात्र छात्रियों ने संगीत नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान का प्रदर्शन किया. केंद्रीय विद्यालय दिमा हसाओ का जो नया भवन बना है आज उसका उद्घाटन हुआ है और ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा किया गया जो कि एनआईसी सेंटर में हुआ. उसके बाद में जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नवनिर्मित जो भवन है वहाँ पर किया गया है. उसमें बच्चों ने अपना एक छोटा कल्चरल आइटम किया और जो जो भी गणमान्य व्यक्ति आए थे उनके लिए एक अच्छा सा परफॉर्मेंस किया गया और उसके बाद में सभी जो माननीय एमपी साहब थे हमारे हरेंद्र सिंह जी और एमएलए हैं डीसी हैं जो चेयरमैन है विद्यालय के सभी ने अपने अपने शुभ वचनों से बच्चों को ब्लेस किया और इस प्रकार से जो प्रोग्राम है वो पूरा एक अच्छे माहौल के साथ में समाप्त हुआ और सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ. थैंक यू. न्यूज बिहार चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद. डिमांसो जिले की हर खबर को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.